हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। आज है करवा चौथ और बजे हैं सुबह के 11:30। इस टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आप सभी मेरी जितनी भी व्यूअर फ्रेंड हैं जिनकी शादी हो गई है और जिनकी शादी होने वाली है, उन सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहले मैं आपको दिखा दूं मैं क्या क्या तैयारी करूंगी और कैसे जाएगा आज का दिन मेरा, वो सभी आपके साथ में शेयर करूंगी। और क्या क्या तैयारी मैंने की है और क्या क्या तैयारी करनी बाकी है वो आपके साथ में आज के ब्लॉग पे मैं शेयर करूंगी। तो क्या क्या तैयारी कर ली थी वो तो मैंने आपके साथ में एक ब्लॉग में शेयर कर दिया था, बाकी अभी क्या रह गया है और कैसे जाएगा आज का दिन मेरा, कैसे सेलिब्रेट करूंगी मैं, ये सभी मैं आप सभी के साथ में आज शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी मेहंदी जो कि मैंने लगवाई है, और वो जो आपके साथ में मेहंदी की पिक मैंने शेयर की थी वो लास्ट ईयर की थी, वो मैंने खुद ही लगाई थी और इस बार मैं लगवा करके आई थी। तो इस टाइप से मैंने मेहंदी लगाई है और ये वही वाले बैंगल हैं कांच के जो मैंने खरीद करके लेके आई थी और आपके साथ में शेयर किए थे। तो सुबह में मैंने ये पहने हैं, इवनिंग में मैं चेंज करूँगी। और ये नेल पेंट जो लगाया था मैंने वो थोड़ा थोड़ा सा हट रहा है, तो इसको अभी जाने से पहले, जहाँ मंदिर जाने का टाइम होता है तो मंदिर जाने से पहले मैं उसको रीटच कर लूँगी। और ये है मेरे वो टोरिंग या फिर बिछिए जो पिंक और पर्पल कलर के हैं, इस बार मैंने ये खरीदे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो इनको अभी मैं पहनूँगी। और बहुत सारा काम है आज, बहुत मस्ती धमाल होने वाला है और बहुत अच्छा रहा हमारा ये करवा चौथ। और मैं इसी वजह से आपको थोड़ा लेट मैं इसका आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा एडिटिंग में टाइम लग गया। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले इसको अपने टोरिंग्स जो हैं उनको मैं पहन रही हूँ। और नेल पेंट तो मैंने 2 दिन पहले ही अप्लाई कर लिया था, क्योंकि आपको पता ही है जितने लोग भी व्रत रखते हैं, जितनी भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स व्रत रखती हैं उनको पता रहेगा कि वो कितनी ज़्यादा बिजी होती हैं उस टाइम पर। तो मैंने अभी टोरिंग पहन लिए हैं और अब मैं लगा रही हूँ आलता। आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है, बेसिकली ये तो हमारे वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, साथ ही साथ बंगाल में भी इसको काफ़ी शुभ माना जाता है। तो सुहागन महिलाएं जितनी भी होती हैं वो इसको लगाती हैं। तो मैंने एक आध बारी पहले लगाया है, बाकी परमानेंट मैं कभी फेस्टिवल पे आलता नहीं लगाती हूँ। ये अन्वेषा के जब स्कूल में फंक्शन वगैरह होता है तब अन्वेषा के लगाया है 3-4 बार, लेकिन अपने में दूसरी या तीसरी बार ही अप्लाई कर रही हूँ मैं। रेगुलर बेसिस पर तो नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसको लगाने के बाद में सब जगह रंगीन रंगीन हो जाता है, लेकिन ये होता है कि हाँ चप्पल पूरी लाल हो जाती है इसको लगाने के बाद में, काफ़ी सारे कलर्स में आता है, काफ़ी सारे तो नहीं, रेड या मरून या फिर पिंक मेजेंटा टाइप का कलर जो है इन 3-4 कलर में आता है। और इसको इस तरीके से मैं कॉटन ईयरबड जो होते हैं उनकी हेल्प से लगा रही हूँ और बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे कभी भी आलता अच्छे से नहीं लगता है, वो ड्रिप कर जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से लग जाए। और बहुत मुझे मेहंदी लगाना उतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुश्किल मुझे आलता लगाना लगता है, क्योंकि ये वाला आलता शायद लिक्विड ही ज़्यादा है या फिर ये मैं पैर के ऊपर ठीक से नहीं लगा पा रही हूँ। तो फिलहाल चलिए कोशिश जारी है, पूरा लग जाएगा उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। और सिंपल सा ही डिज़ाइन मैं इसके ऊपर बना रही हूँ, जिससे कि बनाने में आसानी भी हो और जल्दी भी लग जाए। तो मेहंदी लगाने की तरह ही इसको भी लगाया जाता है, बस मेहंदी कौन से लगा सकते हैं, इसको मैं ईयरबड की हेल्प से लगा रही हूँ। और इस तरीके से मैं डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे कि इसमें कुछ डिज़ाइन नज़र आए, लेकिन आलता मेरा काफ़ी लिक्विडी है इसलिए मुझे लग रहा है या तो आलता में कमी है या फिर मैं नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी यूज़ टू नहीं हूँ, शायद यही वजह है। तो चलिए जैसी कोशिश जारी है, जैसा भी लगेगा अभी आपको पूरा लगाने के बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं अभी इसके बाद में अपनी नई वाली पायल भी पहनूंगी, नई वाली पायल नहीं जो आपके साथ में शेयर की थी उन्हीं को क्लीन करके पहनूंगी, क्लीन कर लिया है मैंने। तो ये लग गया है मेरा आलता और देखिए एक पैर में बिल्कुल अच्छे से लगा, एक पैर में थोड़ा सा फैल गया है। और ये मेरी पायल जिनको मैंने चमका लिया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल नई हो गई थी। और इसके बाद में तैयार हो गई हूँ मैं अच्छे से, और उसके बाद में मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैंने बनाया है ये बैंगन का भरता और बनाए हैं मैंने ये पनीर की सब्जी, ये है मसाला पनीर, ये अभी बन रहा है, और बनाई है दाल। और लंच करा के अभी मैं होंगी तैयार।
तो अभी तैयार हो गई हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को जाना है मंदिर, और मंदिर में है आज कथा। इस तरीके से मैंने मेहंदी मेरी लग गई है, ये वाले बैंगल पहने हैं और कड़े पहने हैं, साथ ही ये झुमकी पहनी है मैंने, और ये वही ब्लाउज़ है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, परचेज किया था, मंगलसूत्र पहना है, और मैंने अपनी शादी की चुनरी भी साथ में ली है। एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया है, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया है मैंने। और साड़ी कैसी है मेरी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मंदिर में आपको दिखाऊंगी इसका पूरा लुक किस तरीके से है। आ चुकी हूँ मैं मंदिर, और मंदिर में यहाँ पर हो रहा है कीर्तन, कीर्तन के बाद में होगी कथा, और कथा के बाद में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपनी साड़ी का पूरा लुक, क्योंकि वैसे तो मैं दिखाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन पिक्चर्स में मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। और ये है मेरी नेबर जिनके साथ में मैं आई थी मंदिर, और कीर्तन चल रहा है अभी, और कीर्तन के बाद में कथा सुनी हमने, और कथा सुनने के बाद में यहाँ पर मेरे काफ़ी सारी फ्रेंड्स थी जिनके साथ में हमने फ़ोटो सेशन कराया। वैसे तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं मंदिर में, लेकिन यही था कि कुछ चले गए थे कुछ आ गए, तो बस यही कुछ सेलेक्टिव सी पिक्चर मैंने आपके साथ में शेयर की। और अब मंदिर से आने के बाद में मैं बना रही हूँ मीठे चावल, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो मीठे चावल से ही होती है, तो उसके लिए मैंने चावल को भिगो दिया था, एक कटोरी चावल को भिगो दिया था, और मैंने गैस के ऊपर पैन गर्म किया है, इसमें डाला है देसी घी, और देसी घी के ठंडे होने के साथ ही पहले मैं डालूंगी इसमें किशमिश, और ये शुगर है, शुगर जितना, और ये है फूड कलर, ये मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ, नारियल लिया है मैंने, नारियल को श्रेड कर दिया है अच्छे से, और लिया है थोड़ा सा हरी इलायची जिसको मैंने कूट लिया है, थोड़ी किशमिश, तो आप जितना बेसिकली जितने भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो शुगर, लेकिन नारियल ज़रूर पड़ता है, आप चाहें तो कच्चा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद में साथ ही साथ मैंने फूड कलर भी डाल दिया है, आप चाहें तो फूड कलर स्किप कर सकते हैं। और ये डालने के बाद में शुगर भी डाल दिया है एंड टू एंड मैंने घी के अंदर, और गैस को जो फ्लेम है उसको बहुत ही ज़्यादा सिम रखना है जिससे कि हमारी शुगर जो है वो जले ना, और एक मिनट के बाद में, एक मिनट तक पकाना है, उसके बाद में हमें चावल डाल देने हैं, और साथ ही जितना चावल को पकने में पानी चाहिए उतना पानी डाल देते हैं। तो मैंने एक कटोरी चावल लिए थे, तो हाफ कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने शुगर ली थी और पानी लिया था। तो अभी मेरे चावल बन गए हैं, तो अब मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। जो सासू माँ को दिया जाने वाला बायना होता है वो मैंने निकाल लिया है, तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, और अन्वेषा मेरे पीछे खड़ी हुई है, अभी उसको भी बोला है मैंने बैठने के लिए पूजा करने के लिए, तो वो बैठ करके कथा सुनाएगी मुझे, अन्वेषा ही सुनाती है मुझे कथा। और पूजा करने के बाद में चांद निकलने में तो काफ़ी टाइम था, तो हमने थोड़ी सी मस्ती धमाल की, फ़ोटो सेशन हुआ है। मेरे हस्बैंड इस बार बहुत ज़्यादा मजाक के मूड में थे, आप देख सकते हैं पिक्चर में, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया काफ़ी टाइम के बाद में, क्योंकि फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं ना जब आपका पूरी फैमिली इकट्ठी होती है और आप मज़ा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब लोग सब इकट्ठे होते हैं तो। और जब चांद निकल आया तो हम लोग आ गए हैं छत पे, छत पे रोशनी ना होने के कारण आपको चेहरा तो ना मेरा दिख रहा होगा, लेकिन ना मेरे चांद का दिख रहा होगा, यानी कि मेरे हस्बैंड का फेस भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं लगाई है। एक्चुअली लाइट तो लगाई थी लेकिन बल्ब ख़राब हो गया था वो, तो दोबारा से, क्योंकि छत पर रेयरली आना होता है, इस वजह से नहीं ध्यान रहा बल्ब लगाने का। तो अभी चांद निकल आया, चांद की पूजा हो गई है, और अब हस्बैंड को भी मैं तिलक कर रही हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे अगर थोड़ा बहुत रोशनी आपको आ रही है तो इस तरीके से। और इसके बाद में मैंने हस्बैंड की आरती की है, और वो आरती करते टाइम भी बिल्कुल चुप नहीं थे, बहुत टाइम से बड़ी मस्ती कर रहे थे। तो उसके बाद में मैंने अन्वेषा के भी तिलक किया, और उसके बाद में मैंने जब सासू माँ को बायना दिया तो सासू माँ मुझसे गले मिल रही थी, तो कह रही थी चलो इसके साथ साथ हम ईद भी मिल लेते हैं, तो हम बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद में मैंने बनाया था खाना, और खाना खाने के बाद में हम थोड़ी सी वॉक करने के लिए गए, और आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में कि बहुत अच्छा सा लगता है जब अपने फेस्टिवल्स होते हैं और हम मिलजुल करके मनाते हैं, और हस्बैंड वाइफ का तो रिश्ता भी ऐसा ही है कि हमेशा साथ रहने वाला है, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करें अच्छे से तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, और साथ ही साथ ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटती है, इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी में थोड़े से उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, लेकिन कोशिश की जाए कि थोड़ा सा आप समझें अपने हस्बैंड को, थोड़ा सा वो आपको समझें, और इसी से
रिश्ते भी आपके और ज़्यादा सुंदर होते हैं, चाहे वो सास ससुर का रिश्ता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता है, चाहे कोई भी रिश्ता हुआ, अगर आप अच्छे से निभाएंगे तो सामने से भी आपको अच्छा सा रिस्पांस मिलेगा। तो कुछ इसी तरीके से हमने सेलिब्रेट किया इस बार करवा चौथ को। आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। जल्दी ही मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माई लवली लेडीज़।